आप लोगों के कहने के अनुसार राफ्ट फाउंडेशन बनाया हूँ कि उसका प्लान कैसे बनेगा और एलिवेशन कैसे बनता है। तो देखिए, मैंने राफ्ट फाउंडेशन है इसके मैंने 3D बना रखे हैं समझने के लिए, और यहाँ पे प्लान है, नीचे एलिवेशन है। तो देखिए, इसकी लेंथ जो लंबाई चौड़ाई होती है किस पे निर्भर करता है, तो जो लेंथ होती है वो फर्श के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, फर्श कितना क्षेत्रफल है, और जो इसकी हाइट आप कितना रखोगे जो एलिवेशन में दिखाई देगा वो प्लिंथ लेवल पे निर्भर करता है। तो फर्श और प्लिंथ लेवल के अनुसार इसे बनाते हैं। तो ऐसे अगर पेपर में आएगा तो आप बस ऐसे डायग्राम खींच लीजिएगा और बस। देखिए, मैंने यहाँ पे 3D इसका 3D व्यू बनाया है। राफ्ट फाउंडेशन है, ऊपर एक टॉप से ऊपर से देख रहे हैं, नीचे इधर से आप एलिवेशन मतलब इधर से देख रहे हैं, इस साइड से नहीं, इधर से एलिवेशन करेंगे। ये आपका राफ्ट फाउंडेशन है, देखिए ऊपर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 मैंने पिलर दिखाए हैं, ये प्लान है आपके। और देखिए यहाँ पे जो ए है, जो ए आपकी चीजें है, ये आपका मेन बीम है और ए बीम है ना, ये आपकी सेकेंडरी बीम है। तो ये आपकी सेकेंडरी बीम हो गई, ये आपकी मेन बीम हो गई। देखिए यहाँ पे जो ए चीजें है, ये आपके मेन बीम है, ये आपकी क्या है, मेन बीम, और ये आपके सेकेंडरी बीम, और ये आपके पिलर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पिलर दिखा रखे हैं क्योंकि हमारा वर्गाकार है, तो वर्गाकार पिलर दिखा रखे हैं। इसकी कोई माप नहीं है, पहले आपको ये बताया, अगर इसके आप ब्रिक लाइन भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे तक बढ़ सकता है, बट इतना बना देंगे पेपर में तो ये आपका प्लान हो गया। और देखिए आप इसका सेक्स मतलब एलिवेशन कैसे करेंगे, तो सामने से देखेंगे। अगर इसे देखिए, अगर सामने से इधर से देख रहे हैं तो ये पोर्शन दिखाई देगा, ये देखिए मैंने इस पोर्शन को बना रखा है, फिर इसके सामने ये पिलर दिखाई देगा। अब देखिए, चलिए देखिए, जो मैंने ये बोला ये आपको दिखाई देगा, जो इधर से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद से देखिए, इसे आप देखेंगे तो ये पिलर है, क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग नहीं है पर मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। तो ये जो पिलर है ना, पूरे अंदर तक इस लेवल से मतलब इस लेवल से ऊपर गया है, प्लिंथ लेवल से। तो देखिए यहाँ से प्लिंथ लेवल से मैंने जो पिलर है या कॉलम है मैंने ऊपर कर रखे हैं, क्योंकि 1 2 और 3 तीन है, तो तीन है चूंकि इधर से एलिवेशन कर रहे हैं तो तीन दिखा रखे हैं। और फिर इसके ऊपर जो ए आपके है, ये आपके क्या है, मेन बीम है, तो ये आपका मेन बीम आ गया है। और ये आपके सेकेंडरी बीम है, तो सेकेंडरी बीम पे ही बना रखें। सेकेंडरी बीम आपके यहाँ से यहाँ तक है, और जो मेन बीम है जो इधर से आप देख रहे हैं वो देखिए यहाँ से जो मेन बीम है ये मेन बीम है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी सेकेंडरी बीम आएगी, और इसके ऊपर आपका जो रहेगा वो कॉलम रहेगा। तो ये आपका रहा, और जो ये है RCC स्लैब है, ठीक है, और आपका एलिवेशन मैंने बना दिया, प्लान बना दिया। ऐसे आप एग्जाम में कर सकते हैं, ये आपका हो गया राफ्ट फाउंडेशन। इसके लिए कोई स्केल नहीं रहती है, कोई माप नहीं रहता। अगर माप दे दिया है तो फिर आप स्केल 1:2 अगर तब दिया है तो आप स्केल जो लेंगे वो 1:10 में लेंगे। 3D व्यू है ना, इसे ध्यान से देखिए, 3D व्यू अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। और 3D व्यू के अनुसार देखिए, उसका 3D व्यू के अनुसार मैंने प्लान बनाए हैं, जितने मतलब पिलर थे या कॉलम थे, पिलर या कॉलम से बोल सकते हैं, उतने मैंने दिखाए हैं। फिर सेकेंडरी बीम भी आपको समझा दिया, और उसके बाद से मेन बीम भी आपको समझा दिए। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, ये जो है आपका मेन बीम है, ठीक है, तो ये आपका मेन बीम हो गया, फिर यहाँ पे आपका प्लान हो गया, फिर आपका ये एलिवेशन हो गया। अब चूंकि सेम है तो वही इसी के प्रोजेक्शन पे मैंने ले लिए हैं। हमको जहाँ तक विश्वास है आपको समझ में आ गया है। देखिए, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।